हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण अधिवेशन को डिजिटल माध्यम से संबोधित करेंगे। इस बैठक में पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान भी शिरकत करेंगे। इमरान खान 2 दिन के दौरे पर तजाकिस्तान जा रहे हैं। वहीं इस सम्मेलन में अनेक मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए PLI योजना को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि सरकार भारत में विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटो उद्योग, ऑटो कंपोनेंट उद्योग और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आई है। कांग्रेस नेता जी रेती कुमार ने बुधवार को कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के साथ हाथ मिला लिया है। रेती कुमार केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव है। उन्होंने आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया है। रेती कुमार ने अपना इस्तीफा KPCC के अध्यक्ष को भेज दिया है। बताया जा रहा है कि भविष्य में वो CPIM के साथ मिलकर काम करेंगे। दिल्ली में 6 आतंकियों को गिरफ्तार के बाद अब देश के अन्य राज्यों में भी पुलिस हाई अलर्ट पर आ गई है। पकड़े गए आतंकियों से साफ है कि वो कई राज्यों में त्योहार के सीजन में ब्लास्ट करना चाहते थे। कई अन्य राज्य से भी उनके खतरनाक मंसूबे की बात सामने आ रही है। इस बीच पंजाब से पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। देश के अलग अलग सेक्टरों में कार्यों के लिए धन मुहैया करवाने वाले 9 विदेशी गैर सरकारी संगठनों यानी NGO पर सरकार ने उचित प्राधिकारियों की मंजूरी के बिना देश में फंड ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है। अधिकारियों ने बताया है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय ने इस NGO को प्रायर रेफरेंस कैटेगरी में रखा है। इसके तहत इन विदेशी संगठनों से कोई भी फंड प्राप्त होने की स्थिति में बैंकों के लिए अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश के इंदौर में सरकारी जमीन के निजी हाथों में खिसकाने का मामला सामने आया है। इंदौर के सिरपुरा क्षेत्र से सर्वे नंबर 525 की 443 एकड़ सरकारी जमीन होलकर राजवंश की महारानी उषा राजे होलकर के नाम से होने के मामले में अफसरों ने जांच शुरू कर दी है। ये बात किसी को गले नहीं उतर रही कि सरकारी अभिलेखों में दर्ज इतनी बड़ी सरकारी जमीन खिसक कर निजी कामों पर कैसे चली गई है। इसमें पुराने अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच देश के कई हिस्सों में बुखार ने पांव पसार लिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली NCR के कुछ क्षेत्रों में बुखार के प्रकोप के बीच डेंगू के मामले भी सामने आ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र अधिक प्रभावित दिख रहा है। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी से की गई है। इस क्रम में 243वें दिन तक कुल 76 करोड़ से अधिक डोज लगाई जा चुकी है। कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेने वाले लोगों की संख्या 18.57 करोड़ हो गई है। सामान्य तौर पर मानसून का मौसम देश के हर साल 17 सितंबर को चला जाता था, उसने इस बार और रुकने का मन बना लिया है। इसके साथ ही देश में अभी कुछ दिन और बारिश हो सकती है। मौसम विभाग IMD के अनुसार बंगाल की खाड़ी से उत्तर में 17 सितंबर को चक्रवात बनने से पूर्वी भारत में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं विभाग का कहना है कि उत्तर और मध्य भारत में गुरुवार तक जमकर बारिश होने की संभावना है। अफगानिस्तान में कब्जे के बाद से ही तालिबान अपने वादे से मुकर गया है। वो लगातार नागरिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। इसमें सबसे अधिक प्रताड़ित महिलाओं और मीडिया कर्मियों को किया जा रहा है। यही नहीं, कई पत्रकारों की हत्या तक की जा चुकी है। 150 अफगान पत्रकारों के एक समूह ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तालिबान के खतरों से उन्हें बचाने के लिए कहा है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।